हाय मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 3 to 6 मंथ की एज ग्रुप के बेबीज को हम घर पे एंगेज कैसे करें। मैं इस वीडियो में जो टिप्स शेयर करूंगी ये मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ ट्राई एंड टेस्ट किए हुए हैं। मेरा बेटा है 5 साल का और मेरी बेटी है जो अभी 9 महीने की हो गई है, एंड ये सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने बहुत इंजॉय करी। इनफैक्ट इन सारी एक्टिविटीज़ ने उनकी फिजिकल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया, उनके मोटर स्किल्स पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया। तो एज अ मदर आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आपको पसंद आएगा। आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आने वाले टाइम्स में नेक्स्ट फेजेस भी हम शेयर करेंगे और काफ़ी सारा इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन हिट कीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं ऑलरेडी 0 to 3 month एज ग्रुप पर वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। 3 to 6 month एक ऐसा एज ग्रुप होता है जहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी बच्चे इस टाइम पे रोल ओवर करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो बैक टू फ्रंट रोल ओवर हो या फ्रंट टू बैक रोल ओवर हो या फिर 180 डिग्री 360 डिग्री बैक पे ही रोल ओवर हो। और काफ़ी बच्चे इस टाइम पे अपना नेक पूरा कंट्रोल कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं धीरे धीरे, और अब उन्हें बैक पे रहना ज़्यादा पसंद नहीं है, अब उनको पेट पे रहना पसंद है ताकि वो उठ के चीज़ों को देख सकें। इस टाइम पे जब बच्चों को पकड़ के बिठाते हैं तो उन्हें ज्यादा मजा आता है क्योंकि अब उन्हें नेक कंट्रोल आ गया है, तो अब उन्हें दुनिया वैसे देखनी है जैसे आप देख रहे होते हैं। तो ये पीरियड होता है कि पेरेंट्स काफी ज्यादा अलर्ट हो जाएं और बच्चों को एंगेज भी होना होता है। इस टाइम पे बच्चे अराउंड 14 to 17 आवर्स होते हैं टोटल डे एंड नाइट मिला के, तो जो बाकी के आवर्स हैं उसमें पेरेंट्स का काम है उनको एंगेज करना। अब वो कैसे करें ये टिप्स को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहला मेरा टिप है कि अगर आपके घर में एक एल्डर सिबलिंग है, जैसे मेरे केस में मेरा बेटा है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेबी को सिबलिंग के पास छोड़ दीजिए, ऑब्वियसली सुपरविजन में रहिए, बट योर बेबी विल जस्ट इन्जॉय जो भी सिबलिंग कर रहा है या कर रही है या उनकी बातें या उनकी साइट, उससे उनको इतना मज़ा आएगा कि उनको और कुछ नहीं चाहिए। दे विल रियली रियली इन्जॉय। और अगर सिबलिंग्स में गैप कम होता है तो वो काफ़ी अच्छे से बेबी से बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, तो ये चीज़ भी बेबी काफ़ी इन्जॉय करते हैं। इनफैक्ट मैंने देखा कि मेरी बेटी का जो फर्स्ट लाफ था, जब वो पहले खुल के हंसी थी, वो उसके भैया की ही वजह से था। जब भैया एक गाने पर डांस कर रहा था और फनी डांस कर रहा था तो उसको बहुत एंटरटेनिंग लगा, जो हमारे लिए यूजुअल था बट उसके लिए बहुत एंटरटेनिंग था, और वो दिल खोल के हंसी। एंड शी वॉज आई थिंक जस्ट अबाउट 3 to 3.5 मंथ्स ओनली। अगर आपके वहाँ पे सिबलिंग नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आसपास थोड़े बच्चे हैं तो बच्चों का थोड़ा एक्सपोजर अब आप बेबी को दीजिए, चाहे उसे पार्क के टाइम पे दीजिए, बिकॉज बेबीज को छोटे बच्चे बहुत पसंद आते हैं और आप देखेंगे इससे उनके सोशल स्किल्स में भी बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरी इंटरेस्टिंग गेम है पीकाबू। पीकाबू गेम आप अलग अलग तरीके से खेल सकते हैं। आप खुद के साथ पीकाबू कर सकते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को छुपा के पीकाबू कर सकते हैं, बट पीकाबू गेम बच्चों को बहुत पसंद आता है। एकदम से जब आप उन्हें धप्पा करते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तीसरी एक्टिविटी है टॉयज़ का इंट्रोडक्शन करना। तो काफ़ी बेबीज़ को अलग अलग तरीके के टॉयज़ पसंद आते हैं, जैसे म्यूज़िकल टॉयज़ नॉर्मली बेबीज़ के साथ काफ़ी पॉपुलर होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी बेटी को म्यूज़िकल टॉयज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। म्यूज़िकल टॉय अगर आप उसके पास लाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो टॉय दोबारा देखना ही नहीं चाहती, बट मेरे बेटे के साथ ऐसा केस नहीं था। तो टोटली डिपेंड्स ऑन योर बेबीज़ चॉइस, जो आपको एक्सप्लोर करके ही पता चलेगा। बट म्यूज़िकल टॉयज़ जो मूव करते हैं, जिनमें लाइट निकलती है, साउंड निकलती है, ये बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। काफ़ी बच्चों को सॉफ्ट टॉयज़ काफ़ी पसंद आते हैं। काफ़ी बच्चे इस टाइम पे प्ले जिम में रहना पसंद करते हैं, स्पेशली अगर जो प्ले जिम है उस पर काफ़ी कलर्स हैं या काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे जंगल जिम टाइप हो गए, तो वो इस टाइम पे बच्चों को पसंद आता है। कोई भी ऐसा टॉय जिसमें कॉज इफेक्ट होता है वो बच्चों को पसंद आता है, जैसे एक छोटा सा पियानो जिस पर जैसे ही बच्चा अपना हाथ मारता है तो कोई साउंड निकलती है, तो वो बच्चों को पसंद आता है। सो येस, 3 to 6 month इज़ अ गुड टाइम जहाँ आप ये बहुत सिंपल टॉयज़ बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। चौथा टिप है बुक्स। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई राइट एज नहीं होती है बुक्स इंट्रोड्यूस करने की। जितना आप जल्दी करेंगे उतना बच्चे का इंटरेस्ट बनेगा बुक्स में। इस टाइम पे बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादातर होता है ऐसी बुक्स में जिसमें बड़ी बड़ी पिक्चर्स हों, कलरफुल पिक्चर्स हों, बिकॉज अब उनका जो विजन है वो चेंज हो रहा है।
ब्लैक एंड वाइट से अब वो कलर्स देखना शुरू कर चुके होते हैं. तो अच्छा होगा स्पेशली अगर आप एनिमल्स की बुक्स, बर्ड्स की बुक्स, यू नो चीज़ों की बुक्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बेसिकली ऐसी चीज़ें जो वो अपने आसपास भी देखेंगे, चाहे वो टीवी में लेटर जाके देखें या अपने घर में देखें या पार्क में देखें, बट जिससे वो रिलेट कर पाएंगे कि ये तो मैंने देखा हुआ है या इसके बारे में मुझे पता है. आप ऐसी बुक्स यूज़ करेंगे तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है. इसके अलावा आप स्टोरी बुक्स में इन्वेस्ट कीजिए, उनके नाइट टाइम रूटीन में स्टोरीज को ज़रूर इंट्रोड्यूस कीजिए. दैट विल गो अ लॉन्ग वे उनके कम्युनिकेशन को बिल्ड करने में और उनकी लर्निंग को बिल्ड करने में. एंड आप खुद देखेंगे कि वो आगे जाके टॉयज से ज़्यादा बुक्स में इंटरेस्टेड हो जाएंगे. नेक्स्ट टिप है आउटडोर टाइम. अब टाइम आ गया है कि आप बच्चों को नेचर में लेके जाएं, आप टाइम बाहर स्पेंड करें, उन्हें वो फ्रेश हवा मिले, उन्हें अपनी सराउंडिंग्स का पता चले, उन्हें नेचर में क्या है उसका एक्सपोजर मिले. एंड दे लव इट, उनको बहुत अच्छा लगता है चीज़ों को देखना, बर्ड्स को देखना, पिजन्स देखना, बर्ड्स की आवाज़ सुनना, काउज, डॉग्स, यू नो जो भी आसपास चीज़ें हैं ये उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं. लोगों को देखना, स्पेशली जब लोग पास कर रहे होते हैं और उनको स्माइल्स देते हैं, दैट्स अ ग्रेट वे ऑफ बिल्डिंग देयर सोशल स्किल्स. तो आप जितना ज़्यादा एक्सपोजर देंगे उतना ही आपका बच्चा जो है सोशली जल्दी एडजस्ट करेगा, और आप जितना आउटडोर का एक्सपोजर देंगे उतना ही आपका बच्चा बाहर जाने से डरेगा नहीं, आउटडोर उसे अच्छा लगेगा और आगे जाके वो खेलेगा, जो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. अगला टिप है रॉकर या जंपरू. अब काफ़ी बच्चे रॉकर और जंपरू बहुत इन्जॉय करते हैं और काफ़ी बच्चे नहीं करते हैं. सो अगेन ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको एक्सप्लोर करके पता चलेगा. मेरे बेटे को जंपरू बहुत ज़्यादा पसंद था, वो बहुत देर जंपरू में बैठ के जंप करता रहता था, उसके आसपास जंपरू के जो चीज़ें होती थी उसको एक्सप्लोर करता रहता था. बट मेरी डॉटर को भी हमने जंपरू ला के दिया, बट उसको इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया. मेरे बेटे ने रॉकर में काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, रॉकर में चीज़ें हैंग कर रही होती हैं तो उसको मारता रहता था, म्यूज़िक प्ले होता था तो और रॉकर हिलता था तो उसको अच्छा लगता था. बट अगेन मेरी डॉटर को रॉकर बिल्कुल पसंद नहीं आया. सो यू नो इट डिपेंड्स फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, बट हाँ ये चीज़ें हैं जो आप इस स्टेज पे यूज़ कर सकते हैं. अगला टिप है उन्हें टीदर्स दे दीजिए. बहुत सारी वैरायटी ले आइए टीदर्स की, जो ऑब्वियसली बीपे फ्री टीदर्स हों, सेफ टीदर्स हों, वुडन टीदर्स सॉफ्ट वाले आप ला सकते हैं. बट बच्चे इस टाइम पे टीदर्स में खो जाते हैं बिकॉज उन्हें इतनी टीदिंग हो रही होती है कि वो कुछ भी उठा के मुंह में डालना चाहते हैं, अपने हाथ मुंह में डालना चाहते हैं. तो आप नोटिस करोगे कि अगर आपने उन्हें एक ऐसा टीदर दे दिया जो उन्हें पसंद आ गया तो बस वो उसी के साथ बहुत देर तक लगे रहेंगे. अगला टिप है रैटल्स. रैटल्स वो साउंड मेकिंग टॉयज होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए. रैटल्स की जो साउंड है उसको आप दूर दूर तक ले जाके बच्चे को सिखा सकते हो कि एक्चुअल में साउंड आ कहाँ से रही है. बच्चे साउंड फॉलो करना सीखते हैं, बच्चे ऑब्जेक्ट फॉलो करना सीखते हैं. जब आप बच्चे के सामने से धीरे धीरे रैटल लेके दूर जाते जाते हो तो बच्चा धीरे धीरे आपको फॉलो करता है, जिसकी वजह से उनका विजन बेटर होता है, आईसाइट बेटर होती है एंड उनकी साउंड फॉलोइंग एबिलिटी भी बेटर होती है. अगला टिप है टेक्सचर्स. आप उन्हें डिफरेंट टेक्सचर्स से इंट्रोड्यूस कराइए. टेक्सचर्स की बुक्स आती हैं, अगर आप बुक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो सिंपल अपने घर में से चीज़ें निकालिए, चाहे वो ग्रास का टेक्सचर हो, चाहे राइस का टेक्सचर हो, पास्ता का टेक्सचर हो, राजमा का टेक्सचर हो, पानी का टेक्सचर हो, यू नो आपको उनको डिफरेंट टेक्सचर्स से इंट्रोड्यूस कराना है, जिससे उनको बहुत मज़ा आएगा, वो उससे खेलेंगे और उसके बाद वो उसी में एंगेज रह जाएंगे. बस आपको ध्यान ये देना है कि वो अपने हाथ मुंह में नहीं डाल लें, सो जस्ट बी कॉशियस. एंड लास्ट टिप मेरा है कि उनको रोल ओवर करने दीजिए, उन्हें बहुत सारा टमी टाइम दीजिए जिससे कि वो रोल ओवर करें. जब वो रोल ओवर करना स्टार्ट करेंगे तो ये अपने आप में उनके लिए गेम बन जाता है कि वो आगे से पीछे, पीछे से आगे रोल ओवर करेंगे, दूर दूर रोल ओवर करेंगे. बच्चों के लिए जो सबसे मेन एक्टिविटी है स्पेशली इन द 3 month to 12 month पीरियड वो है मोबाइल होना. बेसिकली रोल ओवर से शुरू होगा, रोल ओवर से धीरे धीरे बैठना, बैठने से आगे की तरफ बढ़ना, आगे की तरफ से क्रॉल करना, क्रॉल से वॉक करना. सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी उनको एंगेज करती है और उनको डेवलप करने में हेल्प करती है वो है कि बस उन्हें मोबाइल होने दो. तो आप वो सब कीजिए जिससे कि इस स्टेज में उनकी ये जो डेवलपमेंट है रोल ओवर की ये हो सके. और उसके एक अच्छी मसाज जरूरी है, टमी टाइम जरूरी है और सेफ जगह जरूरी है जहां पे वो आसानी से रोल ओवर कर सकें. इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 6 to 9 month बेबी एंगेजमेंट की. आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा. जस्ट स्पेंड टाइम विद योर बेबी, अपने बेबी से बात कीजिए, उसके साथ गाने गाइए, उसके साथ म्यूजिक सुनिए एंड यू विल रियली रियली एंजॉय दिस फेज एंड सो विल योर बेबी. हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें जरूर फॉलो कीजिएगा और साथ ही हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए momcomindia.info, जहां पे आपको काफी सारे इंग्लिश आर्टिकल्स मिल जाएंगे ऑन पेरेंटिंग एंड चाइल्ड केयर. थैंक यू, बाय बाय.